हेलो हेलो हेलो, ये जो लेक्चर दिया जा रहा है ये बिहार एपीओ मेंस के पर्पस से दिया जा रहा है, और आईपीसी में कुछ बातें अभी बची हैं, उसको तेज़ी से हम आपका निकालेंगे। थोड़ा आइए हम देखते हैं। आईपीसी का चैप्टर आपका 8, आईपीसी का जहाँ तक अध्याय 8 की बात है, 8 आपका लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में है। सेक्शन 141 से लेकर 160 तक। इसमें आपका क्वेश्चन मेंस में कहाँ से बनता है इसको देखना है। आपका 3-4 क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कैसे बन सकता है। पहला जो क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से मेंस के लिए बनता है वह ये बनता है कि अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करिए। तो इसके लिए जो आपका लिखना पड़ेगा सेक्शन, वह आपका 141 लिखना पड़ेगा। दूसरा जो आपका मेंस में क्वेश्चन बनता है कि बलवे को परिभाषित करिए, राइट को परिभाषित करिए, और बलवे तथा दंगे में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा चांस रहता है। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है, दंगे की परिभाषा टिप्पणी में बन सकता है, दंगे की परिभाषा पर। और लास्ट में जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है, जो आपका बना भी है उत्तराखंड झारखंड में, वैकेरियस लाइबिलिटी या प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को समझाइए। तो आइए हम देखते हैं आपका सबसे पहले अनलॉफुल असेंबली की डिफिनीशन देखते हैं। देखिए आपका कैसे शुरुआत करेंगे। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 में सेक्शन 141 से लेकर 160 तक लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान किया गया है, जिसमें सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करता है, जिसमें कि यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति 5 उद्देश्यों में से किसी एक या एक से अधिक की पूर्ति के लिए एकत्रित हुए हैं, तब उन्हें उनके जमाव को अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में उद्देश्यों में अंतर नहीं है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या में अंतर है। व्यक्ति इंग्लैंड में जब 3 या 3 से अधिक व्यक्ति 3 हैं, तो ये लिखिएगा शुरुआती दौर में इंग्लैंड में कोरिलेट करके लिखिएगा, जब 3 या 3 से अधिक व्यक्ति 5 उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक के लिए एकत्रित हुए हों तो उन्हें अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। ये 5 उद्देश्य जो ये सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं, ये 5 सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब यहाँ आपका केवल और केवल बेयर एक्ट उतार देना है, क्योंकि 5 उद्देश्य लिखते लिखते बेयर एक्ट का ही 3 पेज आपका हो जाएगा। तो ये आपका बताया नहीं जा रहा है,
आपका बेयर एक्ट की भाषा कवर करेंगे और 141 के जो 5 पर्पज हैं यानी कि 5 आपका सामान्य उद्देश्य हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट हैं आपका, वह मेंस के लिए रट्टा मारना है। दूसरा क्वेश्चन आइए जो अच्छा आपका बनता है कि बलवे या राइट को परिभाषित करिए तथा बलवे और दंगे में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर पूछा गया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है। अब एक एक करके हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, यानी कि जो ये क्वेश्चन है इसको कैसे आप डील करेंगे, कैसे आप लिखेंगे, इस बात को देखा जाए। तो भूमिका आपका जो बांधनी है, भूमिका वैसे ही बांधनी है जैसे कि अनलॉफुल असेंबली की भूमिका आपने बांधी थी। देखिए किस स्टाइल में लिखना है क्वेश्चन को, आपका ये लिखना है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 8 में सेक्शन 141 से लेकर 160 तक लोक प्रशांत के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान किया गया है, जिसमें सेक्शन 146 में बलवे के अपराध को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, और यह कहा गया है कि जब कभी विध विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। यानी कि आपका सेक्शन 146 में, फिर एक बार देखिए क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट भी आपको तोड़ना है, जब कभी अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा या राइट करने के अपराध का दोषी होगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणों परांत बलवा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व दर्शित होते हैं या निष्कर्षित होते हैं, और फर्स्ट लिखेंगे विधि विरुद्ध जमाव का होना, ये पहला आवश्यक तत्व है, एसेंशियल एलिमेंट है, और दूसरा है ऐसे जमाव द्वारा या जमाव के किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में बल या हिंसा का प्रयोग करना। देखिए अब इसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे, पहला नियम है अनलॉफुल असेंबली का होना, इसकी व्याख्या करेंगे, फिर दूसरे एसेंशियल एलिमेंट की व्याख्या करेंगे। देखिए पहली व्याख्या, बलवा के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि जमाव विध विरुद्ध जमाव हो, विध विरुद्ध जमाव को इस संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है, जबकि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इस
धारा में दिए गए पांच सामान्य उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक को करने के लिए एकत्रित हुए हों तो उस जमाव को अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। यानी कि बलवा करने के लिए भी कम से कम पांच लोगों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि जमाव अनलॉफुल असेंबली हो, विध विरुद्ध जमाव हो। इसके बाद आपका ये तो अनलॉफुल असेंबली पांच लाइन लिखेंगे, फिर आपकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ऐसे जमाव के सदस्यों द्वारा कॉमन ऑब्जेक्ट या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। बल की परिभाषा इस संहिता की धारा 349 में दी गई है, जो केवल व्यक्ति के विरुद्ध क्षति तक ही सीमित है, जबकि हिंसा को परिभाषित नहीं किया गया है। हिंसा शब्द बल से व्यापक अर्थ रखता है। यह व्यक्ति जीव जंतुओं, निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी किया जा सकता है। चाहे विध विरुद्ध जमाव के सभी लोग आपका बल या हिंसा का प्रयोग करें या उनमें से कोई एक या एक से अधिक करें, उस जमाव को आपका ऐसी दशा में उस अपराध को बलवा कहा जाएगा। आप बलवे की परिभाषा याद रखेंगे, फिर आपका देखा जाए एफरे या दंगा। अब आपका दंगे की परिभाषा देखना है और तब हम बलवा और दंगा में अंतर बताएंगे। ज़्यादातर टिप्पणी में पूछा जाता है दंगा। देखिए आपका फिर शुरुआत करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे ये याद रखिए। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 8 में सेक्शन 141 से लेकर 160 तक में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि सेक्शन 159 में दंगे को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वह दंगा करते हैं। यानी कि फिर एक बार परिभाषा बता दिया जाए, परिभाषा हूबहू याद रखना है। जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति को भंग करते हैं या लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। फिर आप लिखेंगे उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत दंगे के निम्नलिखित आवश्यक तत्व निष्कर्षित होते हैं। चार एसेंशियल एलिमेंट निकालेंगे, चारों की व्याख्या करेंगे। देखिए पहला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, दूसरा है ऐसे व्यक्तियों के बीच लड़ाई का होना, तीसरा है ऐसी लड़ाई लोक स्थान में होना, पब्लिक प्लेस में होना, और चौथा है ऐसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप लोक शांति का ब्रीच होना, यानी कि भंग होना। अब इन्हीं चारों एसेंशियल एलिमेंट को आपको चार चार पांच पांच लाइन एक्सप्लेन कर देना है, व्याख्या कर देनी है। देखिए कैसे व्याख्या की जाएगी। दंगे के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की संख्या दो या दो से अधिक हो।
केवल एक व्यक्ति दंगा नहीं कर सकता। ये पहला आपका हुआ। दूसरा इसमें लिखेंगे कि इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसे दोनों व्यक्तियों के बीच लड़ाई हुई हो। यदि केवल उग्र शब्दों या उग्र आचरण दर्शाया गया है तब यह दंगे के लिए पर्याप्त नहीं है। लड़ाई दोनों पक्षकारों द्वारा की जानी चाहिए। यदि एक पक्षकार लड़ाई कर रहा है दूसरा शांत है तो उसे दंगा नहीं कहा जाएगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि दंगे के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी लड़ाई पब्लिक प्लेस में की जाए, लोक स्थान में की जाए। कौन सा स्थान निजी है, कौन सा स्थान लोक स्थान है, यह उस स्थल की प्रकृति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जहां आम जनता को बिना रोक टोक आने जाने का अधिकार है, सामान्यतः वह स्थल पब्लिक प्लेस कहा जाता है। और जहां आम जनता को आने जाने का सामान्यतः अधिकार नहीं है, उसे प्राइवेट प्लेस कहा जाता है। जैसे एक पार्क, जब वह आम जनता के प्रवेश के लिए खुला हो तो उस समय वह पब्लिक प्लेस माना जाएगा, लेकिन जब जनता के प्रवेश के लिए न खुला हो तो उस समय उसे प्राइवेट स्थान माना जाएगा। फिर आपका लास्ट लिखेंगे कि ऐसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो पब्लिक प्लेस में हो रही हैं, लोक शांति भंग हुई हो। यानी कि यदि लोक शांति लड़ाई के कारण भंग नहीं हुई है तो ऐसी दशा में उसे आपका दंगा नहीं माना जाएगा। धन्यवाद।